विदिशा जिले के गंज बसौदा में मानस भवन में गंज बसौदा को जिला बनाने हेतु हुई जो कि सर्वदलीय बैठक के बाद आज सभी पत्रकारों ने केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और सीएम आयोग के नाम नायब तहसीलदार सविता पटेल को एक ज्ञापन सौंपा गया। गंज बसौदा को जिला बनाने की शंखनाद की गई है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गंज बसौदा को जिला बनाने की मांग बरसों पुरानी थी और जिला बनाने के सभी मापदंडों को पूरा करता था। ये सबसे बड़ी अनाज मंडी जो कि पत्थर मंडी, कृषि महाविद्यालय और केंद्र विद्यालय, पर्यटन स्थल सहित अन्य व्यवस्थाएं हैं जो कि नगर वर्तमान में विदिशा जिला मुख्यालय के समक्ष ही विकसित एवं समृद्ध है। साथ ही यह रेलवे एवं सड़क मार्ग से सभी मुख्य नगरों से जुड़ा हुआ है। रेलवे एवं राजस्व आय भी जिले के बराबर ही होता है। वर्तमान में प्रदेश में मौजूद कई प्रमुख जो कि जिलों की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए गंज बसौदा उन सबसे बेहतर स्थिति में है, इसलिए गंज बसौदा को जिला बनाए जाना सर्वथा अच्छा होगा। वही नगर के पत्रकारों का आपसे अनुरोध, उन्होंने कहा कि गंज बसौदा को जिला बनाने की मांग स्वीकार किया जाए। यदि इस मांग पर कार्रवाई नहीं होती तो नगर के पत्रकार सभी राजनीतिक दलों, संगठनों, नागरिकों एवं ग्रामीणों के साथ चरणबद्ध आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। प्राइम के न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र गुप्ता की दिशा। दिया है किन मांगों को, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिले की जो मांग है पूरे क्षेत्र की मांग है और यहाँ वो तमाम मापदंड जो उसके तहत होते हैं वो हमारे जिले में, चाहे शैक्षणिक संबंधित हो, संस्थाओं संबंधित, या अनाज मंडी हो, या पत्थर व्यवसाय हो, ये तमाम चीज़ें शासन को राजस्व भी ज़्यादा देती हैं और यहाँ पे आवागमन के साधनों के माध्यम से भी तमाम ट्रेन स्टॉपेज भी हैं और शैक्षणिक संस्थाओं के कॉलेज वगैरह भी हैं। यहाँ पे जिला का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि सीमाओं के यदि देखा जाए तो यहाँ से विदिशा की दूरी 50 किलोमीटर है। बेहतर होगा कि इसे गंजबासौदा को जिला बनाया जाए। साथियों, गंज बसौदा जिला बने इसके लिए आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों ने आज यहां आकर ज्ञापन दिया है। गंज बसौदा जिला बनने का अधिकार इसलिए है, गंज बसौदा विदिशा जिले की सबसे बड़ी मंडी है। यहां से लाखों रुपए की आय शासन को होती है। दूसरा, पत्थर मंडी भी गंज बसौदा में है। देश ही नहीं, विदेशों में भी यहाँ का पत्थर जाता है, उससे भी रॉयल्टी के रूप में शासन को लाखों रुपए मिलते हैं प्रतिमाह। इसके अलावा गंज बसौदा नगर विदिशा जिले के मध्य में है, इसलिए गंज बसौदा जिला बनना चाहिए। सिरोंज के लोगों को, पठारी के लोगों को, पुरवई के लोगों को, ये अपने त्योंदा आदि ये जो है तहसीलें, उप तहसीलें ये गंज बसौदा से जुड़ जाएंगी और निश्चित रूप से सभी को इसका लाभ होगा। हम चाहते हैं कि इसमें व्यापारी और नगर के जितने भी संगठन हैं हमें सब गंज बसौदा का प्रदेश में जिस तरह से जो है वो जिले बनाए जा रहे हैं और उसमें गंज बसौदा एक महती जो है आवश्यकता और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। गंज बसौदा उन तमाम मापदंडों पर खरा उतरता है जो जिला बनाने के लिए आवश्यक है, चाहे वो व्यापारिक हो, शैक्षणिक हो, आवागमन के साधन हो, या भौगोलिक दृष्टि से बात की जाए तो भौगोलिक दृष्टि की बात हो तो भी जिले के जो प्रदेश के तमाम जिले हैं उनसे कहीं बसौदा जो है वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। और बसौदा को अगर जिला बनाया जाए तो दूर दराज के तमाम जो गाँव हैं जिनका जिला मुख्यालय तक पहुँचना बड़ा दुर्लभ है वो तमाम गांव यहाँ गंज बसौदा से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जिले से मिलने वाले सुविधाएं और जिले में होने वाले काम यहाँ के ग्रामीणों के लिए, खास तौर से अगर बात करें तो छात्रों, किसानों और कर्मचारियों के लिए यह स्थान बहुत ही उपयुक्त होगा। और इसको अगर जिला बनाया जाता है तो यहाँ पर जो है वो गंज बसौदा ही नहीं बल्कि अगर प्रदेश में देखा जाए तो गंज बसौदा एक अलग अपना स्थान रखेगा और ये एक जाना पहचाना एक अच्छा खासा जिला होगा। जो ज्ञापन है एक तो किस तरह से यह अभियान होगा, किस तरह चरणबद्ध चलेगा? देखिए, जब से ये संभावनाएं आई हैं कि प्रदेश में परिसीमन आयोग के द्वारा प्रदेश के सभी शहरों का परिसीमन करके नए जिलों को बनाया जा रहा है, उसी को लेकर
गंज वासुदा में भी बरसों पुरानी मांग चली आ रही है, क्योंकि गंज वासुदा हर एक स्थिति से जिला बनने के लायक है। इसमें हर एक प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं, और जब इस बात को मीडिया के सामने लाया गया तो आज गंज वासुदा की मीडिया ने इस पहल को आगे बढ़ाया है, और ये पहल तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि गंज वासुदा को जिला बनाने की घोषणा नहीं कर दी जाती है। तो इस क्रम में आज मीडिया के द्वारा, गंज वासुदा की मीडिया के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। वहीं ये क्रम लगातार जारी रहेगा और समय समय पर गंज वासुदा के अंदर ज्ञापन ही नहीं, आंदोलन भी किए जाएंगे, जिनको एक चरणबद्ध तरीके से गंज वासुदा के अंदर निभाया जाएगा।